अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कुकिंग शो विद अनाया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाली डिश, और ये टी टाइम में बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये कद्दूकश किए हुए आलू, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है गाजर, उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया एक बोल में। उस बाद मैंने डाल दिया है ग्रीन धनिया, फ्रेश वाला जो होता है वो वाला शामिल किया है। उसके बाद हम लेंगे ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने एक ग्रीन चिली इसमें डाली है। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने अभी ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है, इसलिए मैं एक ग्रीन चिली इसमें यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं मैदा इसमें शामिल करूंगी, 3 टीस्पून। 3 टीस्पून मैदा शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने ये गरम मसाला डाला है। उसके बाद मैं ये डाल दूंगी, एक एग लिया वो मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन में ले लेंगे कुकिंग ऑयल। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग हमने इसको शैलो फ्राई करना है इसलिए हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने 2 टीस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया। अब इसमें हम जो हमारा मिक्सचर है वो डालेंगे, और इसका एक शामी कह लें, इसको कबाब कह लें, वो हम डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर, एक एक चम्मच तकरीबन ले लें आप, वो इसमें शामिल करेंगे और को हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये एक शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाए। और इसको हमने अभी हलाना नहीं है 2 मिनट के लिए। जब 2 मिनट बाद वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी फिर हम इसको चेंज करेंगे। एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पहले इनको कवर कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह एक तरफ से कितना प्यारा सा कलर आ गया। तो इसको बहुत देर नहीं लगती पकने में, बहुत कम टाइम में ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अब ये पक चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है, तो वो हमने निकाल लिया। तो अब इसमें हम दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर डाल देंगे और इसके बना लेंगे हम। देखिए मैंने ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ किया है, तो आप लोग भी ज़्यादा ऑयल ना डालें। डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ये है कि ये ऐसे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ये जो कबाब है चाय में, तो ये खाने का बहुत मज़ा आता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ये बहुत ही आराम से टूट भी जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।